गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अपन है जेईसी के यूट्यूब चैनल पे. लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी कि एसएससी बैंक और रेलवे में कौन कौन से पदों के लिए भर्तियां की जाती हैं और क्या इनका एग्जाम पैटर्न है. आज अपन बात करेंगे कि इन एग्जाम्स की तैयारी अपन को कैसे करनी है. मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके चार सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम्स रहते हैं. बच्चे की 4 घंटे की क्लास के अलावा 8 से 9 घंटे सेल्फ स्टडी में बच्चे को देने हैं. पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, यदि पहले साल में सिलेक्शन चाहिए तो. और ये भी किस ऑर्डर में देने हैं, मैथ्स को देने हैं 3 घंटे, इंग्लिश को देने हैं 3-3.5 घंटे, रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा, जीके जीएस को 1 से 1.5 घंटा. मैथ्स के 3 घंटे में क्या करना है, मैथ्स का जो भी चैप्टर चल रहा हो उस चैप्टर के जो भी थीम क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस क्लास में होते हैं, उनको एक बार अच्छे से कवर किया जाए और उनको रिवाइज करने के बाद हर चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए और उन सब क्वेश्चंस का 3-5 बार क्या होना चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए वो बच्चे के लेवल के हिसाब से. कुछ बच्चे जो मैथ्स में पहले से ठीक है वो 3 बार रिवाइज करके भी मैथ्स को अच्छे लेवल तक पहुँचा सकते हैं, कुछ को 4 बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ बच्चे जिन्होंने स्कूल में मैथ्स से भागने का पाप किया है उनको एक आध रिवीजन के राउंड की एक्स्ट्रा ज़रूरत है पड़ सकती है. मैथ्स की टोटल बात करें तो मैथ्स में कुल मिला के 5,000 क्वेश्चंस हैं. कुछ किताबें मार्केट में चल रही हैं जिन पे लिखा हुआ होता है 7500 क्वेश्चंस, 8900 प्लस क्वेश्चंस, किसी पे लिखा होता है 9500 प्लस क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस की एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, वो बुक्स होती हैं पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस की. उनमें यदि कोई क्वेश्चन पिछले 15-20 सालों में 5 से 6 बार आया तो उन बुक्स में 5-5, 6-6 बार ही डाल रखा होता है. इस रिपीटेशन के कारण वो काउंटिंग बढ़ रही है. अदरवाइज 5,000 क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्स की मैथ्स को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है. बैंकिंग में तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा पूछे नहीं जाते तो ये काउंटिंग 3-3.5 हज़ार क्वेश्चन पे ही रह जाती है. एग्जाम्स में क्या करता है पेपर बनाने वाला, 80 से 85% क्वेश्चन तो जो पुराने सालों में आए हैं वही डालते हैं और 15 से 20% क्वेश्चन क्या करते हैं जो थोड़े नए पैटर्न के डालते हैं. और नए भी क्या बोले, क्वेश्चंस तो ये मैथ्स के ही हैं लेकिन ये उठाते कहाँ से हैं, एसएससी बैंक की तरह, रेलवे की तरह कुछ एग्जाम्स और लगते हैं कंपटीशन में, जैसे कैट है, मैट है, जो एमबीए कॉलेजों में एडमिशन के टेस्ट लगते हैं, सीडीएस है, जीआरई है, इनमें भी 10th की मैथ्स आती है, उनमें से क्वेश्चंस उठा लेते हैं. या जो 8-10 बुक्स मैथ्स की चल रही होती हैं उनमें भी क्या, हर बुक में 1-2% क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से लैंग्वेज को घुमा के बना रखे होते हैं या थोड़ा सा कंसेप्ट्स की मिंगलिंग कर रखी होती है तो पेपर बनाने वाला उनमें से उठा के डाल देता है. ये 5,000 क्वेश्चंस बच्चे ने एक बार अच्छे से कर लिए तो उसके बाद मैथ्स में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी. इंग्लिश के जो 3-3.5 घंटे हैं उनको अपन को 3 हिस्सों में बांट देना है. 1 घंटा अपन को देना है ग्रामर पे, 1.5 घंटा देना है वोकैब पे और 1 घंटा देना है कॉम्प्रिहेंशन पे. ग्रामर वाले 1 घंटे में क्या करना है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उसको जाके रिवाइज कर दें और उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो सीट आपके पास है, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या है सोल्व करने का प्रयास करें ताकि डिस्कशन के टाइम पे क्या है सहूलियत रहे, थोड़ा सा क्या है कनेक्टिविटी फील हो क्लास में. वोकैब वाले 1.5 घंटे में क्या करना है, रोज 30 से 40 वर्ड्स याद करना है, वो कैपेसिटी के हिसाब से. कोई 30 EGV में याद कर रहा है तो वो 30 याद करे, कोई 40 कर पा रहा 40, किसी को 25 ठीक लग रहे तो 25. याद कैसे करने हैं, पहले दिन मान लो अपन 30 वर्ड याद करते हैं, होता क्या है दूसरे दिन संभालते हैं, दिन में से 40-50% क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं. सबके साथ ही ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ में होता है. नेक्स्ट डे क्या करना है, इन 30 को तो रिवाइज करना है और 30 नए याद करने हैं. अगले दिन 30 नए याद करने हैं और पिछले 2 दिन का रिवाइज कर दो, फिर 30 नए याद करने हैं पिछले 3 दिन का रिवाइज कर दो, फिर 30 नए याद कर रहे हैं पिछले 4 दिन का रिवाइज कर दो, फिर 30 नए याद करने हैं पिछले 5 दिन का रिवाइज कर दो. अगले दिन जब जाते हैं तो 30 नए याद करने और पिछले 5 दिन का क्या करना है, रिवाइज करना है. ये जो पहले दिन वाले वर्ड्स हैं ये 5 दिन तक रिवाइज हो चुके हैं और 5 दिन तक जो चीज़ रिवाइज हो गई वो परमानेंट मेमोरी में चली गई है. नेक्स्ट डे जब जाते हैं तो 30 नए याद करिए और पिछले 5 दिन का रिवाइज करिए, यानी जो भी पढ़ना है उसको 5 दिन तक रिविजन में रखना है. फिर 15 दिन बाद एक ऐसा दिन निकालिए जिसमें अपन क्या है नए वर्ड्स याद नहीं करेंगे, जो पिछले 15 दिन में किए हैं उनको क्या करना है, रिवाइज करना है. 1 महीने बाद ऐसे ही अपन को फिर से 1 दिन निकालना है, उसमें नए याद नहीं करेंगे, पिछले 1 महीने में जो भी सब पढ़े हैं उन सब को क्या है रिवीजन में रखना है. ये 8 से 10 दिन आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही शानदार तरीका है. सेलेक्ट होने वाले बच्चों के फीडबैक्स में यही तरीका मिलता है अपन को.
कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, इसमें बेसिकली इंग्लिश की समझ का टेस्ट होता है, खास करके अनसीन पैसेज और क्लोजेस के क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या है, इंग्लिश को अपन को इंग्लिश में पढ़ना है ताकि इंग्लिश की रीडिंग स्पीड बढ़े और समझ बढ़े। और इसके लिए सलाह दी जाती है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या जो इनकी इंग्लिश पहले से ठीक है, वो बच्चे पहले दिन से इंग्लिश का न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, एडिटोरियल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, उनकी शुरुआत में वर्ड पावर थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है, तो उनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है न्यूज़पेपर में। तो उसके बजाय वो क्या कर सकते हैं, पुराने जो एग्जाम्स में पैसेज आए हुए हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से 7 पैसेज डेली क्या करें, सोल्व करें। और पैसेज से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। पैसेज में क्या होता है, मान लो एक पैसेज पढ़ा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, बच्चे ने क्वेश्चन ट्राई करे, पढ़ने के बाद 3 क्वेश्चन उसको आ गए, 2 क्वेश्चन जब उसको नहीं आते हैं तो वो उनको क्या है, सोल्व करने के लिए पैसेज को एक बार वापस पढ़ता है, समझने की क्या करता है, कोशिश करता है, और वहाँ से ही असल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होता है। न्यूज़पेपर में तो क्या होता है, अपन को मुद्दा समझ में आए तो ठीक, वरना बंदा अगले न्यूज़ पे अगले ब्लॉक पे क्या होता है, चला जाता है। तो पैसेज सोल्व करें 5 से 7 डेली, 3 से 4 महीने तक पैसेज को कंटिन्यूएशन में रखें। उसके बाद क्या है, क्लोज टेस्ट वाला जो सेक्शन है उनको उठा लें, 4 से 5 क्लोज टेस्ट क्या है डेली सोल्व करें। इन तीनों सेक्शन को क्या है, ऑर्डर में टाइम देते हुए चलना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं, खाली ग्रामर और वोकैब को ही वो इंग्लिश मानते हैं। यदि सिर्फ ग्रामर और वोकैब पे चल रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश की 60% तैयारी चल रही है, ये 40% हिस्से को कवर करता है। इंग्लिश में से अच्छे से स्कोर करना है तो तीनों सेक्शन को बराबर ईमानदारी से टाइम देना होगा। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग का जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें जो भी चैप्टर चल रहा है, 2.5-3 महीने तक का सिलेबस रहता है, छोटा सिलेबस रहता है रीजनिंग का, तो जो भी चैप्टर चल रहा है उसके क्वेश्चंस घर पे सोल्व कर लीजिए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब क्वेश्चंस कवर हो जाए, उसके बाद क्या है, पुराने जो पेपर्स हैं SSC के हैं या बैंक के हैं, डेली 1 या 2 पेपर क्या है लगा लें। 40-50 पेपर्स जब रीजनिंग के लग जाएंगे तो रीजनिंग में स्पीड एक्यूरेसी जो वो है बच्चे की बन जाती है। जीके में क्या करना है, SSC के लिहाज से बात करें तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम क्या है जीके के लिए एनफ है। लेकिन रेलवे वाले एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, जीके और जीएस का वेटेज ज़्यादा है, तो उनको जीके को 3 से 4 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। और ओ डेप्थ में कवर करने के लिए क्या है, 6ठी से 10वीं क्लास तक की जो NCERT की बुक्स हैं उनको बच्चा उठा सकता है। वहाँ चीज़ें थोड़ी डिटेल से भी दे रखी होती हैं और पढ़ने में भी क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो वहाँ से बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलेगा NCERT वाली बुक से। ये 8-9 घंटे किसी बच्चे ने ईमानदारी से दे दिए तो पहले अटेम्प्ट में 6-8-10 महीने की तैयारी में, मैं 6-8-10 महीने इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे पहले से ठीक है वो बच्चे 6-1 महीने में कवर कर सकते हैं, कुछ थोड़े से क्या हैं जिनको सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत है उनको 1-2 रिविजन के राउंड एक्स्ट्रा चाहिए, इसके लिए 1-2 महीने का टाइम क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। इसमें यदि ईमानदारी बढ़ती है सेल्फ स्टडी में तो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन तय है। इस टाइम में से 2 घंटे कम कर दीजिए, ये अटेम्प्ट दूसरा हो जाएगा, 2 साल लगेंगे रिजल्ट निकालने में, और 2 घंटे कम कर दो ये 3 साल का प्रोग्राम बन जाएगा, और थोड़ा बहुत टाइम और कम किया तो ये तैयारी वाली योजना, ये पंचवर्षीय योजना में कन्वर्ट हो जाती है। आपका असली एग्जाम बेटा वो नहीं है जो आप एग्जाम सेंटर में दे रहे होंगे, आपका असली एग्जाम ये तैयारी वाला एग्जाम है। यहाँ आपकी मेहनत की परीक्षा है, आपके डिसिप्लिन की परीक्षा है, आपकी लगन की, सेल्फ ड्राइव की परीक्षा है, आपके टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा है कि आप किस सब्जेक्ट को किस ऑर्डर में ले रहे हैं, किस टाइम पे उसको रिवाइज कर रहे हैं, आपकी स्मार्टनेस की परीक्षा है। यदि आप इस तैयारी वाली परीक्षा में पास हो तो पेपर देके जब पेपर सेंटर से आप बाहर आएंगे निश्चित रूप से आपको आपका रिजल्ट पता होगा, सकारात्मक रिजल्ट पता होगा। ये बेटा आपके करियर का निर्णायक पड़ाव है। यदि आप 10वीं 12वीं मान लो भले ही औसत रहे थे, यदि आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी गिनती सफल लोगों में होगी, और आप भले ही स्कूल कॉलेज के टॉपर थे यहाँ मात खा गए तो गिनती फेलियर्स की लिस्ट में होगी। ये टाइम डिसाइड करेगा कि आप इंस्पेक्टर ऑफिसर कहलाओगे, कि आप क्लर्क कहलाओगे, कि आप बेरोजगार कहलाओगे। ये टाइम डिसाइड करेगा कि आप 60-70 हज़ार रुपये की पे स्केल से जॉब स्टार्ट करोगे, कि 25-30-35 से स्टार्ट करोगे, कि 10-12 हज़ार के लिए जूझ रहे होंगे। यहाँ जम के मेहनत करिए, लाइफ के निर्णायक पड़ाव पर पूरी एनर्जी, पूरा टाइम अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे लगा दीजिए, फिर कोई शक्ति आपकी बाधा में खड़ी नहीं होगी। हर चीज़ आपको रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अगले वीडियो में बेटा अपन बात करेंगे कि ये जो एग्जाम्स में इनमें कितनी वैकेंसी आती हैं और कितने स्टूडेंट्स इनके लिए फॉर्म भरते हैं, कितने एग्जाम देते हैं, क्या सिलेक्शन परसेंटेज रहता है, उन सब की बातें करेंगे।
पिछले वीडियो के बाद क्या कुछ बच्चों का फीडबैक आया था कि सर आपके जो एनर्जी लेवल से जितने क्लास में रहते हैं उतने वीडियो में नज़र नहीं आए। बेटा क्या है, क्लास में बच्चों का स्वैग रहता है और कैमरा क्या है, निर्जीव आत्मा है, तो उसके सामने क्या वो फ्लो आ नहीं पाता। तो दो तीन वीडियो में क्या है, ये चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी, फिर आपको क्लास में और ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, चीज़ें सब रूटीन में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, शुभरात्रि।